अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज हमने बनाए हैं कोफ्ता विद एग्स, तो बहुत मज़े की रेसिपी है। तो इससे पहले हम चलें रेसिपी की तरफ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। चलिए जी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ओके जनाब, नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए हमने पहले इस तरह प्याज ले लिया। प्याज बिल्कुल आपने चॉप कर लेना, ये देखें इस तरह से, ठीक है। उसके बाद तकरीबन मैंने बड़े चम्मच लिए हैं 3 से 4 ऑयल के। अब हम इसको प्याज को करेंगे फ्राई अपना। ओके तो जनाब, 1 चम्मच भर के मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया। ओके जनाब, इसके बाद 2 मीडियम साइज के टमाटरों की ये प्यूरी है, ठीक है, ये डाल देंगे हम। प्यूरी डाल दी, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ओके तो जनाब, अब जितने भी हम मसाले डालेंगे हम टीस्पून के हिसाब से डालेंगे, ठीक हो गया, टीस्पून से। क्यों? क्योंकि हमारे कोफ्तों में भी नमक मिर्च है, तो इसलिए मुनासिब बैलेंस रखनी है हमने अपनी नमक मिर्च। ओके जी, 1 टीस्पून मैंने डाल दिया नमक, 1 टीस्पून मैंने डाल दिया अपना रेड चिली पाउडर और हाफ थोड़ी सी और 1.5 टीस्पून चला गया। इसके बाद 1/2 टीस्पून हमने डाल दी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डाल दिया गरम मसाला, 1 टीस्पून डाल दिया सूखा धनिया, 1 टीस्पून डाल दिया जीरा, 1/2 टीस्पून डाल दी हमने अपनी ब्लैक पेपर। अच्छे से करेंगे मिक्स। ओके जनाब, इसके बाद मसाले डालने के बाद हम दही डाल देंगे, तकरीबन 5 से 6 भरे चम्मच दही के, क्या ये डाल दी। मैंने क्योंकि कोफ्ते पहले से ही फ्राई कर लिए थे, अब ये सारे कोफ्ते चले गए, ये चिकन के कोफ्ते हैं मेरे पास, ठीक है। इन सबको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। ओके जनाब, इसके बाद अगर नमक मिर्च आपको कम लगती है तो 1/2 टीस्पून आपने अपनी हरी मिर्च की डाल देनी है, ठीक है। ओके जी, इसके बाद जितनी आपने ग्रेवी रखनी है आप पानी डाल देंगे, ज़्यादा रखनी है ज़्यादा डाल लें, कम रखनी है कम डाल लें। मैं नॉर्मल रख रही हूँ, ना ज़्यादा ना कम, ठीक हो गया। ओके जनाब, अब हम इसको कर देंगे कवर। तकरीबन 5 मिनट हम अपने जो कोफ्ते हैं वो दम पे रखेंगे और उसके बाद चेक करके नमक मिर्च और फिर इसकी गार्निशिंग कर देंगे। चलिए तो जनाब, 5 से 10 मिनट हो गए, ठीक हो गया। अब हम अपने कोफ्ते जो है वो देखते हैं। ओके जी, जब इस स्टेज पे आ जाए कि आपने इतनी ग्रेवी रखनी है और आपके कोफ्ते अच्छे से पक गए, तो आपने ये तकरीबन 4 अंडे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, साथ ही अंडे मिक्स कर देने हैं बॉयल करके। ओके जनाब, कोफ्ते हो गए हमारे रेडी, तो मैं इनको अब डिश आउट करके तो फाइनल लुक इनकी आपको दिखाती हूँ। कपड़ा देंगे, कपड़ा छोड़।